हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं ज़रा टूर पे जा रहा हूँ, इसीलिए अभी थोड़ा सा मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। ये रेट्स आज घटते भी दिखेंगे आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, बट अब मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए जो बेस्ट शेयर्स हैं अभी इस मार्केट की गिरावट में, थोड़े थोड़े आप बाय करके चलिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, जो कि आपको अच्छे रेट में मिल जाएंगे इस मार्केट की गिरावट में। ये कंपनी जो है ये लगातार अपने प्रॉफिट्स बढ़ाते जा रही है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर से बिलोंग करती है। ये कंपनी बनाती है इलेक्ट्रिक बसेस और इनके पास अभी ऑर्डर जो पेंडिंग है 3500 बसेस के ऑर्डर पेंडिंग है, जो कि उनको 2 साल में देनी है। इसीलिए इनका क्वार्टर रिजल्ट एंड रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इसका कल का क्लोजिंग था 574 एंड 52 वीक हाई था 941। इसका पी है 128 का एंड ईपीएस है 4.30 का। आपको लग रहा होगा पीई बहुत ज़्यादा है, बट फ्रेंड्स इनके पास ऑर्डर बुक इतना स्ट्रांग है कि ये शेयर थोड़ा महंगा ही मिलेगा। फ्यूचरिस्टिक शेयर है तो ऐसे शेयर्स को ही हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.09। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। बात करेंगे प्रोमोटर होल्डिंग की, तो प्रोमोटर्स के पास है 50%, FII के पास है स्ट्रांग 8% एंड DII के पास है 0.04%। FII का इतना स्ट्रांग होल्डिंग है क्योंकि FII जो फ्यूचरिस्टिक कंपनीज है उन्हीं में इन्वेस्ट करती है, ये बात आपने ध्यान में रखना चाहिए। बात करेंगे इनके क्वार्टर रिजल्ट की, तो मार्च 21 में प्रॉफिट था 10 करोड़, दिसंबर 21 में प्रॉफिट था 13 करोड़ एंड मार्च 22 में प्रॉफिट आया है 18 करोड़, और जो कि फ्रेंड्स आने वाले दिनों में आपको प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखेगा, रेवेन्यू भी बढ़ते हुए दिखेगा। कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड आज भी मार्केट गिरेगा तो इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। 550 का काफ़ी अच्छा बाइंग लेवल है, वहाँ से थोड़े थोड़े शेयर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, जो कि आपको वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स देंगे लॉन्ग टर्म में। तो इस कंपनी के बारे में स्टडी करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।